इंजीनियरिंग टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ड्राइंग, डिजाइन, एस्टीमेट, कॉस्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है बेसिक रूल ऑफ वॉल डिजाइन बाय थंब रूल। दोस्तों, आज का टॉपिक तो बहुत छोटा है, बट इंटरव्यू में वॉल डिजाइन का डिस्क्रिप्शन करने में एक्सपीरियंसफुल लोगों के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, वॉल डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते, जो कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, साइड इंजीनियर हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, तो आप वॉल डिज़ाइन का टॉपिक जरूर क्लियर कर लीजिए। दोस्तों, ये हमारी डिज़ाइन सीरीज की फोर्थ वीडियो है। इसके पहले कॉलम डिज़ाइन, बीम डिज़ाइन और फाउंडेशन डिज़ाइन की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो फिफ्थ वीडियो होगी वो स्लैब डिज़ाइन पे होगी, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक फ्री में पहुंच जाएगी। ओके दोस्तों, आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेन वॉल नॉट लेस देन 230 mm थिकनेस। ओके दोस्तों, यानी कि हमारी जो मेन वॉल है, यानी कि हमारे बिल्डिंग की या फिर हमारे छोटे घर की या फिर बड़े घर की, ठीक है, जो मेन वॉल है वो 230 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंच में समझते हैं तो 9 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। आपको मैं एक ड्राइंग दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग की जो ये बाहर की वाल होती है, आप देख सकते हैं ये हमारी मेन वाल होती है। तो ये हमारी जो मेन वाल है ये 9 इंची, ये जो मेन वाल है ये 9 इंची या फिर 230 या फिर 23 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आप mm में समझते हैं तो 230 mm ये होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, ये हमारी ब्रिक है, इसकी ये फुल लंबाई 230 mm यानी कि 9 इंची होती है। दोस्तों, मेन वॉल बनाने के लिए हम ये फुल ब्रिक का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन वॉल नॉट लेस देन 115 mm थिकनेस। अगर आप इंच में समझते हैं तो 4.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आइए फिगर से जानते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वॉल कहां पे होती है। दोस्तों, हमारी जो बाहर की वाल होती है ये तो हमारी मेन वाल होती है, बट जो वाल टू रूम को डिवाइड करती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वाल होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वाल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाल है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन वाल होगी, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन वाल होगी। तो भवन के अंदर की जो वाल होती है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वाल होती है। ये वाल 11.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 इंची। हमारा थर्ड पॉइंट है ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन ब्रिक मेसनरी वर्क। यानी कि वाल बनाने में जो हम ब्रिक यूज करेंगे उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, फोर्थ, ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ये स्ट्रक्चर इंजीनियर प्लस साइड इंजीनियर इंटरव्यू में जरूर पुटअप किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, मोर्टार यूज नॉट लेस देन 1:5 रेशियो इन ब्रिक मैसनरी वर्क। दोस्तों, वाल बनाते समय, ब्रिक की बॉन्डिंग करते समय पर हम जो मोर्टार रेशियो यूज करेंगे 1:5 का यूज करेंगे, यानी कि 1 बैग ऑफ सीमेंट 5 बैग ऑफ सैंड। ओके दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है ब्रिक मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन परसेंटेज इज 16:20 यूज इन वाल। यानी कि वाल बनाने में जो हम ब्रिक यूज करेंगे, ब्रिक की मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी जो है वो 16:20% होनी चाहिए। अगर ब्रिक की वाटर ऑब्जर्वेशन 16:20% से ज़्यादा है तो हम ऐसी ब्रिक मैसनरी में नहीं यूज करेंगे। ओके दोस्तों, दोस्तों आप अपना ये टॉपिक क्लियर कर लीजिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, आपको हमेशा काम देगा। बाय।